हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन की कलौंजी। ऐसे हम बैंगन को फाड़ेंगे। ऐसे हम बाकी के बैंगन फाड़ लेंगे। चलिए, अब हम पंचफोरन भूनते हैं। दोस्तों, तवा गरम है, अब हम पंचफोरन को भूनते हैं। सब सामग्री को इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। दोस्तों, हम सारे सामग्री को अच्छे से भून लिए हैं, अब हम इसको उतारते हैं। दोस्तों, अब हम इसको उतार लिए हैं, ठंडा हो गया। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं और अच्छा टेस्ट बनता है। हम मिक्सी के जार में पीस रहे हैं, अच्छे से इसको पीसेंगे बारीक। दोस्तों, हम सारे सामग्री को अच्छे से पीस लिए हैं, अब हम इसको दोस्तों हमने 2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर लिए हैं, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच नमक, 2 बड़ा चम्मच तेल लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, हम सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब हम बैंगन को भरते हैं, मसाले को भरते हैं। ऐसे ही हमें भरना है। ऐसे ही हम बाकी के बैंगन को भर लेते हैं। दोस्तों, हमने बैंगन में मसाले भर लिए हैं, अब हम इसको फ्राई करने चल रहे हैं। दोस्तों, हमने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। हम इसमें 3 बड़ा चम्मच तेल डाले हैं। अब हम बैंगन को ऐसे अभी हम 2 बड़ा चम्मच तेल डाल रहे हैं ऊपर से। अब हम इसको अच्छे से ढक देंगे। दोस्तों, ऐसे ही हमें बीच बीच में इसको स्लो आंच में पकाना है। अभी हम फिर ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। दोस्तों, कलौंजी पक गई है। हमने इसको बीच बीच में चलाते गए, 10 मिनट में कलौंजी हो गया। अब हम गैस को बंद करते हैं।
दोस्तों बैगन के कलौंजी बनके तैयार है। दोस्तों आप इसको दाल चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। आप इसको दो चार दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, आप कहीं सफर पे भी लेके जा सकते हैं, खराब नहीं होगा। बहुत ही चटपटा कलौंजी है, आप एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।